बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी उम्र 30 साल तक बढ़ाएं सिला रहमी के ज़रिए मासूमीन अलैहिस्सलाम का फरमान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आपके ख़ानदान के अफराद मामूली बातों को बुनियाद बनाकर आपसे नाराज़ हो जाते हैं या ज़िल्लत और रुसवाई पर उतर आते हैं या फिर ताल्लुक ही ख़त्म कर देते हैं और आप जानना चाहते हैं कि ऐसे हालात में आपको अपने ख़ानदान वालों की मोहब्बत को पाने के लिए क्या करना चाहिए, तो सुनिए मासूमीन अलैहिस्सलाम के जवाबात। हज़रत अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ख़ानदान वालों ने मुझ पर हमला किया, मुझसे कदा रहम किया, मुझे गालियाँ दी, मैंने उनसे मेल जोल तर्क कर दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सूरत में खुदा तुम सबको छोड़ देगा। उसने अर्ज किया कि फिर मैं क्या करूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कता रहम किया है उससे सिला रहम कर, जिसने तुझे हक से महरूम किया है उस पर बख्शिश कर, और जिसने तुझ पर जुल्म किया है उसको माफ कर। अगर तूने ऐसा किया तो खुदा की तरफ से तेरे लिए उन पर गलबा हासिल होगा। इसीलिए इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सिलाए रहम अमाल को पाक करता है, मुसीबत को दूर करता है, दौलत को बढ़ाता है, उम्र को ज़्यादा करता है, रिस्क में वसत देता है और ख़ानदान वालों में मोहब्बत पैदा करता है। बस लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए और सिला रहम करना चाहिए। इसी तरह इस हदीस के मुतल्लिक रावी का बयान है कि मैंने हज़रत अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि मौला, मेरा एक चचाजात भाई है, मैंने उससे सिला रहम किया मगर उसने मुझसे कता रहम किया। अब मैंने इरादा किया है कि जब उसने मुझसे कता रहम किया है तो मैं भी उससे कता रहम करूँगा। मौला ने फरमाया, जब तुमने उससे सिला रहम किया और उसने कता रहम किया तो खुदा तुम दोनों को मिला देगा, लेकिन अगर तुम दोनों कता रहम करोगे तो अल्लाह तुम दोनों को जुदा रखेगा। इस बारे में हज़रत अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सिलाए रहम से बढ़कर कोई चीज़ उम्र को नहीं बढ़ाती। अगर किसी की उम्र में सिर्फ 3 साल बाकी हो और वो सिलाए रहम बजा लाए तो अल्लाह ताला 30 साल बढ़ा देता है और उसको 33 साल कर देता है, और काते रहम की उम्र अगर 33 साल हो तो वो उसके 30 साल कम करके उसकी उम्र 3 साल कर देता है। तो नाज़रीन, हमारी दुआ है कि अल्लाह की ज़ात हम सबको भी हर रिश्ते को सिलाए रहमी के ज़रिए जोड़े रखने की तौफीक अता फरमाएं, ताकि अल्लाह ताला उनके दिल में हमारी मोहब्बत को हमेशा कायम रखें। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।